इनका आज फिर से जो है जिद्दी शुरू हो गया है, बोल रहे हैं कि चलो कहीं। अरे बहुत दिन से हम लोग कहीं बाहर खाने के लिए नहीं गए हैं, तो घर में वही घिसा पिटा, घर छोड़ के गए हैं ये लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते, मतलब उन लोगों का घर का हालत। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे और एज यूजुअल सैटरडे संडे ही जितना भी मतलब घर का काम रहता है, बाकी मतलब वो जो बाहर जाके करने वाला होता है वो ही होता है। तो आज वैसे ही हम लोगों को, हम दोनों को बहुत ज्यादा ही काम है। एंड वन मोर थिंग, आज मतलब येलो येलो हो गया यार, येलो येलो डर्टी फेलो, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और अभी मतलब ना टाइम जो ऑलमोस्ट 4:30 ऐसा ही हो रहा है, मेरा क्योंकि आप, मेरा कुछ है लाइक मेरा मस्टर्ड येलो है एंड आपका थोड़ा सही है। मेरा मस्टर्ड येलो है, तुम्हारा पूरा येलो है। और धूप भी है, आज बहुत जल्दी हम निकले क्योंकि लेट करके निकलते हैं ना, फिर कुछ भी काम नहीं हो पाता यार, आधा काम रह जाता है। और आज ना मतलब हमें कार लेते हुए भी काफी टाइम हो गया है, बट जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा हमने सीट कवर जो है नहीं डलवाया है। एक मिनट, कुछ नहीं पड़ा। तो सीट कवर हमने नहीं डलवाया था क्योंकि हमें जब हम कार ले रहे थे सबने मना किया कि शोरूम से मत डलवाओ, राइट, हर किसी ने मना किया, तो इसीलिए हम शोरूम से नहीं डलवाया। और उसके बाद तो हर वीकेंड कुछ ना कुछ काम रहता है, फिर एक वीकेंड हम चले गए थे एयरपोर्ट एंड और एक वीकेंड मतलब पिंकू का मतलब बाइक वगैरह देना था, ऐसे बहुत सारा काम रह जाता है गाइस वीकेंड में। और एक वीकेंड तो मतलब बाइक के चक्कर में हम भाग ही रहे थे जो दे दिए, तो फिर तो इसीलिए आज सोच रहे हैं कि एक मतलब सीट कवर देख हम देखे थे पहले एक दो जगह, पर मतलब अभी भी कंफ्यूज है कि हम कहाँ पर डलवाए, तो वही अब जा रहे हैं हम फाइनल करके ही आएंगे। आज सोच रहे हैं कि आज अगर फाइनल कर लेंगे तो देन कल डलवा लेंगे, बहुत ज्यादा दूर है गाइस, तो वही। और कुछ काम है, और हाँ मुझे थोड़ा सा जाना है यहाँ पर, कहाँ पर मिंगू, लेंस कार्ट जाना है मुझे थोड़ा सा, और भी कुछ आदि ऐसा काम है। और मतलब मैं भूल गई थी मास्क पहनना और वीडियो कर ही जा रही थी, फिर सामने दिखा कि ट्रैफिक पुलिस जो था वो आ गए थे, फिर पिंकू ने बोला पहन लो वरना अभी फाइन फालतू में भरेंगे। मतलब जितना जल्दी से मैंने निकाल के मैं ये गाड़ी में ही रख देती हूँ, एक मेरे बैग पे भी है, मतलब आजकल मास्क हर जगह है यार, कहीं पे भी मिल जाएगा, तो जल्दी से मैंने पहले मास्क पहन लिया वरना फालतू में। और आज तो सीरियसली जो ट्रैफिक है ना, मतलब 2-3 मिनट से हम यहीं पर है, ऐसा नहीं हो रहा था। कोई मिनिस्टर आ रहा है ना उस तरफ, इसलिए वो ट्रैफिक करके रखे हैं। ओह इज इट, मतलब मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब रुकने वाला ट्रैफिक बहुत टाइम से नहीं था, बहुत ज्यादा गाड़ी था पहले, पर ऐसे 2-4 मिनट एक जगह खड़े रहने वाला ट्रैफिक नहीं था। Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. So finally guys, यहाँ पे एक शॉप पे आए हैं और हम लोग और कुछ आदि देख रहे हैं, डिजाइंस पहले फाइनल कर लें और फिर कलर वगैरह फाइनल्स करेंगे, तो वही देखना चल रहा है कि कौन सा लगाएं और क्या। मतलब ये एक्चुअली में बहुत ही कंफ्यूजिंग का काम है, आपको अच्छा तो सब कुछ लगेगा बट फिर आपको सोचना है कि आपको कौन से चाहिए, तो वही पिंकू का और मेरा, हम मतलब दोनों ही डिसाइड कर रहे हैं कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से और मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम दोनों हमेशा जो भी होता है थोड़ा उनका और थोड़ा मेरा मिला जुला के जो फाइनल आउटकम आता है वही हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। ऐसा नहीं कि पिंकू उनका अकेले का करेंगे और ऐसा मतलब मैं नहीं कि मैं अपने अकेले का करूँगी, या हम दोनों का ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो हम दोनों को अच्छा लगेगा लास्टली हम वही चूज करेंगे। तो एक अभी हमको अच्छा लग रहा है तो देखते हैं, अगर हो पाता है तो उनसे अभी हम बात कर रहे हैं और फिर बात करके निकलेंगे हम यहाँ से। फाइनली गाइस, मतलब सीट कवर हमारा फाइनल हो गया और 10,000 रुपए का चूना लगा दिया पिंकू ने, मतलब फालतू में ना मतलब इतना खर्चा आ रहा है ना। एक्चुअली दो क्वालिटी का था, एक 8,000 का था एक 10,000 का था, मैं बोला वो 8,000 नहीं, वैसे तो ऑर्डिनरी तो बहुत 3-4 हजार में मिल रहा था, बट वो था एक्चुअली वो लेदर नहीं है, मतलब बिल्कुल अच्छा क्वालिटी का नहीं है। मैं ऐसे नाखून से भी मैंने स्क्रैच करके देखा तो वो बहुत इजिली डैमेज हो जाएगा, उसमें कोई वारंटी वगैरह नहीं था, पर इसमें कितना 5 साल एक्चुअली वो भी डायरेक्टली, देखो वो भी फ्रेंकली वो इतना अच्छा लगे वो डायरेक्टली बोल दिया,
साल ये जो वारंटी देते हैं हम लोग, मैं आपको 10 साल भी दे दूंगा, आप कितना साल लेना चाहते हो? बोला कि आप 1 साल के बाद कौन किसको याद रखता है, कितना बार कॉल करता है। वो वारंटी कार्ड ही गुम हो जाता है वो, एक्चुअली उन्होंने सच बोला कि हाँ हम मतलब सामान गुमा देते हैं, 2-3 साल हम रख ही लेंगे, फिर उसके बाद आई थिंक वो बोला आप जब भी आओगे मैं करके दूंगा आपको, कुछ कोई पार्ट भी अगर डैमेज हो जाएगा तो स्पेसिफिकली वो करके देंगे। अच्छा ये कहाँ पर? माराथली पे, राइट? माराथली जाने के टाइम पे, व्हाइट फील्ड से माराथली जाने के टाइम पे, लेफ्ट हैंड साइड में कुंदनाली सर्कल, कुंदनाली सिग्नल से थोड़ा पीछे, तो वहीं देख के आ गए हैं। तो कल जाएंगे पिंकू फाइनली फिक्स करने, कल सेकेंड हाफ पे, और आपको दिखाऊंगा कि मतलब वो लोग कैसे अच्छे से। और एक्चुअली हम बहुत जगह पे देखे थे बट उनका जो फिटिंग जितना फोटो, सबसे पॉइंट वो था मतलब उनका, हम लोग बहुत सारा देखा था, बहुत सारा फोटो भी देखे थे। स्टिचिंग करने के बाद ना फुल के रह रहा है कवर, बट उनका जो फिनिशिंग था काम का वो बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब लाइक बहुत ही प्रॉपर अच्छा वाला फिनिशिंग था, इसीलिए बस हमने वहां पर दिया। और अभी हम एक बेकरी पे आए हैं, क्या ये मयूरा बेकरी? आप बात करो, मैं देख रहा हूँ उसका है कि नहीं। ओके ठीक है, गाड़ी आ रही है यहाँ पर, तो बेकरी पे आए मयूरा बेकरी, क्योंकि जैसे कि पिंकू को एक पफ और चाय पीना था। पहले ना जब ये जब कोरोना वोरोना स्टार्ट नहीं हुआ था, जब ये नॉर्मल था सब सिचुएशन, तब मैं बहुत ज्यादा मोमोज खा रही थी, और आज पिंकू मुझे पूछ रहे थे कि तुम मोमोज खाओगे क्या? मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, चलो मुझे एक पफ ही खिलाओ। पता नहीं यार, कभी कभी ना मुझे एक चीज की अगर आदत लग जाती है ना, तो वही मैं रिपीट करती रहती हूँ, वही खाती रहती हूँ खाती रहती हूँ, और मोमोज खाऊंगी तो खाती रहूंगी, पफ खा रही हूँ तो अभी खाती रह रही हूँ, वही ऐसा ही चलता है मेरा। तो अभी फाइनली यहाँ पर पिंकू गए हैं, देखते हैं, शायद नहीं लग रहा कि यहाँ पर एक पफ होगा, अगर होगा तो अच्छी बात है। और गाइस अभी हम लोग कहाँ पे आए हैं पता है? आप लोग थोड़ा गेस करो कहाँ पे आए हैं। आप लोग पहले से वीडियो में देखे होंगे ये वाला घर, ये घर कहाँ है अभी? तो अभी एक्चुअली हम भैया भाभी का जो घर है उनके फ्लैट पे आए हुए हैं। भैया भाभी तो खैर है नहीं, पर उनका मतलब जो घर का की हमारे पास है, तो अभी थोड़ा उनका घर देखने आए हैं। मतलब 2-3 महीने में हम लोग आते रहते हैं, तो 2 महीने हो गया, तो फिर हम सोचे कि चलो एक बार देख आते हैं सब कुछ। और वो लोग बहुत दिन से बोल रहे थे कि जाओ थोड़ा घर देख के आ जाओ, घर देख के आ जाओ, आओ जो आ जाओ। काफी टाइम हो गया, मतलब अभी उन लोगों को ना जाते हुए लाइक 8 मंथ हो गया है, 9 मंथ हो गया, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो, कुछ प्लान था नहीं। मैंने देखा कि मेरे बैग में की पड़ा हुआ था, तो ऑल ऑफ सडन प्लान बना कि चलो चल के देख आते हैं कि क्या हालत हुआ है घर का। और साथ ही साथ मतलब आज भाभी को भी उनका घर दिखा देंगे, वो भी काफी टाइम से मिस कर रहे होंगे ना उनका घर, पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है। एंड मतलब और अच्छा और भी एक की है क्या? अच्छा बाप रे, अंधेरा ही अंधेरा है, रुको मैं लाइट देता हूँ पहले, संभालो। फैन ऑफ करो, फैन क्यों दिया आपने? यहाँ पर तो भाभी मतलब एक जो पुराना वाला साड़ी कुछ था सोफे पे, वो तो कवर करके गए हैं, जो खैर मतलब, पर ये आप देखिए मतलब यहाँ पे मतलब कितना मतलब दाग वगैरह, पता नहीं ये सब कैसे हो गया, ये पहले से था क्या? पहले से नहीं था तो ये सब कैसा? आई थिंक ये रेयांस ने क्या होगा यार, जब वो खेल रहा था शायद हमने नोटिस नहीं किया है, राइट? उसका बॉल वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पे, पैकिंग करके जाना था यार। और यहाँ पे है रैंस का एक फोटो बचपन का, छोटा सा था। ए, वो फैन बंद करो और वो लाइट, सब कुछ बंद करके जाना ठीक है। अरे देखो लास्ट टाइम आप आए थे वो वाला मनी प्लांट में आपने पानी नहीं डाला क्या? पूरा खराब हो गया। अभी ये जिंदा नहीं होगा ना? हाँ बस उतना ही रहेगा जितना है, पर आप पानी नहीं डाले थे पानी चेंज करके, पर बहुत दिन हो गया ना हमारा आने में। नहीं आप बीच में एक बार आया था, बीच में उस टाइम पानी चेंज नहीं किया था, मतलब सीरियसली। हाँ वही मैं बोल रही थी, वैसा टाइप का सीरियसली, मतलब जो जो लोग उनका घर छोड़ के गए हैं ये लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते, मतलब उन लोगों का घर का हालत, मतलब उन लोगों का जो घर का हालत है ना क्या होगा, नाउ आई कैन इमेजिन सीरियसली यार, बहुत मतलब भाभी आएगी तो पूरा मतलब उनका हालत खराब हो जाएगा। और इनका आज फिर से जो है जिद्दी शुरू हो गया है, बोल रहे हैं कि चलो कहीं। अरे बहुत दिन से हम लोग कहीं बाहर खाने के लिए नहीं गए हैं, तो घर में वही घिसा पिटा, कभी स्विगी से ऑर्डर करो, कोई जोमेटो से ऑर्डर करो, वो ठंडा हो जो भी हो तो वो खाना खा रहे हैं। थोड़ा एटलीस्ट ना घर बैठे के मतलब सेफ्टी फील होता है यार, डोंट नो यार, मतलब पूरा तो नहीं, वैसा नहीं है, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा जहाँ पर होगा सैनिटाइजिंग वगैरह वहाँ पर मैं जाऊँगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आज एक्चुअली क्या मन क्या कि मतलब डर लगता है, उस दिन भी हम फूड कोर्ट पे खाए थे ना, मतलब बहुत डर के मारे, लाइक हाथ यहाँ ना लग जाए, स्पून मतलब कहीं ट्रे पे ना लग जाए, ये तो बहुत डरती है। ठीक है तो ये अच्छा बात भी है,
लेकिन क्या थिंग इज दैट कि मतलब आज सुबह मेरा जो बड़े पापा का बेटा है ना, तो उनका जो बच्चा है उसको आज फर्स्ट ईयर हो गया, कंप्लीट हो गया, तो सभी बोल देना हैप्पी बर्थडे टू हिम। उसका वीडियो भी आने वाला है जल्दी, मतलब उसका केक कटिंग वगैरह हम लोग थोड़ा बहुत कैप्चर करने के लिए वहाँ पर बोले हैं, देखते हैं वो मिलता है कि नहीं, किसी ने ठीक से किया है या नहीं। बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे पास में हमको तो वैसा कुछ नहीं मिला अभी, ऑलरेडी मतलब 9:30 भी हो गए है, तो यहाँ पर कुछ लाइक एक बंगाली रेस्टोरेंट है शायद सोरसे, राइट, सोरसे वो अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। हाँ, तो हमने रेटिंग भी देखा ऑनलाइन तो अच्छा ही है, तो अभी सोच रहे इसीलिए पास में चले जाएंगे, पास में है, देखते हैं कैसा आज उसका खाना है सोरसे का, आपको रिव्यू देते हैं फिर। यस, पूरा जो बंगाली कुजिन जो है वो आराम से यहाँ पर खा सकते हैं, राइट, सब कुछ है बंगाली का। डिमर जो बंगाली अंडा को डिम बोलते हैं ना, डिमर कोसा, डिमर करी, डिमर तोरका, चिकन चाप, चिकन करी, चिकन चाप, चिकन करी, डिमर तोरका, डिमर करी, डिमर कोसा, मेंगो प्लीज यार, प्लीज यार, मोजिटो आल्सो यू हैव, या मोजिटो इज आल्सो देयर, राइट, मोजिटो लेमन लेडी, यस यस, आई नीड वन मोजिटो, मोजिटो लेमोनाइड, सो ये है एग डेविल, राइट, यस, ये एग डेविल, डिमर डेविल जो अंडा का डेविल होता है, ओके, अंडा का डेविल होता है आज, सो ये है एग डेविल एंड दिस वन इज चिकन कबाब, चिकन कबाब, और कुछ मंगाया था हमने स्टार्टर पे, राइट, आएगा, हाँ दिखाएंगे हम लोग, हाँ तो अभी स्टार्ट करें हम लोग, यस, श्योर श्योर। आई नो दैट आई हैवंट बीन हु आई वाज, आई एम सपोज्ड टू बी द वन यू कैन ट्रस्ट, आई फील सो यूज़लेस cuz आई लेट यू डाउन, आई होप देयर सम वे आई कैन मेक इट ऑलराइट cuz आई नो दैट यू डिजर्व much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. So finally guys, starter ho gaya, abhi humne main course mein chicken duck bungalow aisa kuch order kiya hai, और ये मैंने लाइक खाया कभी नहीं है, बट मैंने सुना था लाइक एक मेरा यूट्यूबर जो जिनको मैं फॉलो करती हूँ वो भी बंगाली है, तो शायद उनसे मैंने देखा था, मुझे याद आ रहा है चिकन डक मंगलो, तो वही हमने ऑर्डर किया है, और साथ पे और पूरा मतलब चार स्टार्टर खाने के बाद समझ सकते हो आप पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, बस और पीछे से म्यूजिक भी आ रहा है, पता नहीं ज्यादा बैकग्राउंड कॉपीराइट वगैरह हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है, देखते हैं। तो बस हम एक एक रोटी खाएंगे और बस वो चिकन डक मंगलो टेस्ट करेंगे, तो देखते हैं, बट I am done guys, mera pet pura bhar gaya hai char starter khane ke baad. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough but you're all I need. I'd take you places that you've never been, I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. फाइनली गाइस घर आ गए और आने के बाद फ्रेश हो गई मैं, और रियली गाइस वहां पे जो खाना था ना लाइक ऐसा नहीं बोल सकती कि आपको अगर बहुत अच्छी एम्बियंस वाला जगह चाहिए वैसे ही है, पर अगर अच्छा एक डाइन आउट के लिए आप लोग जाना चाहते हो फैमिली के साथ तो बहुत अच्छी है, नहीं बिंगू, यस, तो बहुत अच्छा है खाना, हमको तो बहुत टेस्टी लगा, मतलब पूरा ऑथेंटिक जो बंगाली फूड से बहुत अच्छा लगा, नहीं ओडिया लोग को भी बहुत पसंद होगा, मतलब ओडिया और हमारा जो फूड है मोस्टली सिमिलर ही रहता है ना, बंगाली एंड ओडिया का खाना सिमिलर ही रहता है, तो फाइनली पिंकू का मतलब काफी टाइम से वो डिनर कर रहे थे, जाएंगे बाहर, क्योंकि ना ऑर्डर करके खाएंगे या फिर बाहर से लाके खाने में प्रॉब्लम ये होता है कि जो खाना है वो ठंडा हो जाता है, तो वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद है, तो ठीक है फाइनली बहुत दिनों के बाद हम आज एक्चुअल मायने में जो है बाहर डिनर करे हैं, तो अच्छा लगा हमें भी जाने के मतलब डिनर करके, तो चलिए गाइस साथ ही साथ ये जो व्लॉग होता है यहीं पे एंड करती हूँ मैं, होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा आपको तो लाइक कर देना, साथ साथ आप अपने चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय।갑자기 내게 나타나주 너 बेगुनी बोलते हैं, हमारा जो बैगुनी बोलते हैं ना वो बेगुनी, और एक बार बोलो कैसे, बेगुनी 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 क्या बेगुनी क्या बेगुनी